नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। चलिए चलते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइट्स लेट। पीएम मोदी आज वर्चुअली संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। केरल में रेस्टोरेंट में खाने के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 27 और 28 जनवरी को होगी। हैदराबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे आज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मेघालय का दौरा करेंगी। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन। राजस्थान सचिन पायलट आज झुंझुनू में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नेपाल विमान दुर्घटना में 71 शवों को परिवार के सदस्यों को सौंपा गया। 16 जून को रिलीज होगी प्रभास की फिल्म आदि पुरुष। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को हटाने की मांग। आशीष देशमुख ने खड़गे को लिखा पत्र। दलाई लामा के श्रीलंका दौरे पर जाने का चीन ने किया कड़ा विरोध। बीजेपी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक आंदोलन है, बोले पीएम मोदी। कंझावाला मर्डर केस के आरोपियों पर हत्या की धारा 302 के तहत चलेगा केस। राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, बोले कांग्रेस पार्टी। रामचरितमानस विवाद पर बोले नीतीश कुमार, धर्म के मामले में किसी को नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। आगरा में ताजमहल के आसपास ताज सिम्पोजियम में आने वाला सदियों पुराना बाजार फिलहाल नहीं हटेगा। चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट, 60 साल में पहली बार घट गई जनसंख्या। सरफराज खान ने सिलेक्टर्स को दिया बल्ले से जवाब। दिल्ली के खिलाफ जड़ा धुआंधार शतक। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को सतारा टेस्ट सीरीज में हार का डर। भारतीय पिचों पर उठाए सवाल। क्या पांडवों का गढ़ था दिल्ली का पुराना किला? एसआई की खुदाई के बाद मिलेगा जवाब। अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, वर्दी पहनकर बनी मैडम सर, प्रोमो हुआ रिलीज। जम गई झीले, बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम, देखे खूबसूरत तस्वीरें। हॉरर फिल्म मेगान की किलर डॉल के पीछे ये 12 साल की बच्ची छुपी थी। यूं कपाए दर्शकों की रूह। यूएन में लगा पाकिस्तान को करारा झटका। हाफिज सईद का बहनोई मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। कश्मीर से जुड़ा कनेक्शन। आरएम गिरधर रावत को शराब पीकर हंगामा करना पड़ा भारी। कैबिनेट मंत्री ने सस्पेंड करने के दिए निर्देश। तहसील दिवस पर हुई बैठक, सभी विभाग के अधिकारी हुए हाजिर। नाले से मिला महिला का शव, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में गरीब बच्चों को 75,000 टेस्ट किट बांटने का लक्ष्य। आईडीसी की रिपोर्ट को लेकर देश के लाखों चिकित्सकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सुतखोर से पीड़ित महिला ने पुलिस को दी दहेज। पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले में आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। दिनेशपुर के बुक्सोरा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से मचा हड़कंप। गौकशी के आरोप में 3 अभियुक्तों को गौमांस व उपकरण के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। धारचूला तहसील के चौदास में बड़ा खतरा। तंतारोगतों में जोशीमठ की तरह धसाव। छात्र छात्राओं की समस्या का होगा निस्तारण, खोला गया छात्र संघ कार्यालय। प्रदेश के धामी सरकार विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी करने का बना रही प्लान। बनबसा क्षेत्र के लोगों को सुबह से करना पड़ रहा है विद्युत कटौती का सामना। हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस बैठक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।